हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। ये वीडियो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने अपनी नई प्रश्नावली, नई एक्सरसाइज 13.2 शुरू कर दी थी और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। वेल, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रखा है रशेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। रशेल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे एक तरह का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। उस मॉडल को बनाने के लिए उसे एल्यूमिनियम शीट का यूज करना है। मॉडल कुछ इस तरीके का होगा कि बीच में सिलेंडर होगा और सिलेंडर के दोनों तरफ कोन बने होंगे। मॉडल कुछ इस तरीके का होगा कि बीच में बेलनाकार होगा और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ शंकु की आकृति होगी। जो मॉडल है उसमें जो व्यास है, दैट मीन्स जो डायामीटर है, वो 3 सेंटीमीटर है और उस मॉडल की जो लेंथ है, हाइट बोल लीजिए आप उसे, जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रखा है कि जो ऊपर नीचे आप कोन बनाने वाले हैं उस मॉडल में, या फिर हिंदी में कहे तो शंकु बनाने वाले हैं, तो हर एक शंकु, हर एक कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है उस मॉडल का आयतन। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनेगा कैसे। तो हमको कहा गया है कि बीच में सिलेंडर होना चाहिए, दैट मीन्स बीच में बेलनाकार होना चाहिए जो हमने बना दिया है, और ऊपर नीचे कोन होने चाहिए, दैट मीन्स ऊपर नीचे शंकु होने चाहिए, वो हमने बना दिए। पूरी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, पूरी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और इंडिविजुअली देखा जाए तो हर एक कोन की ऊंचाई, सिर्फ कोन की, सिर्फ शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दिया है। और जो व्यास बोला हमें, या डायामीटर जिसे हम कहेंगे, शंकु का डायामीटर कहे, कोन का डायामीटर कहे, शंकु का व्यास कहे, 3 सेंटीमीटर है। तो जो जो हमें दिया है वो हम लिख देते। डायामीटर ऑफ कोन मतलब शंकु का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मॉडल मतलब कुल ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मतलब शंकु की ऊंचाई क्या बोल रखी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब दोनों शंकु मिलाकर ऊंचाई क्या होगी, टोटल हाइट क्या होगी बोथ कोन्स की, दोनों कोन्स की टोटल हाइट 2+2 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आपको सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालना हो, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो 2+2 करेंगे और पूरे 12 में से माइनस कर देंगे, उसे शंकु की ऊंचाई को, कोन की हाइट को हटा देंगे। तो हमने पहले टोटल हाइट निकाल ली, कोन की कुल ऊंचाई निकाल ली दोनों शंकुओं की, उसके बाद उसे पूरी ऊंचाई में से, ऊपर से लेकर नीचे तक उस मॉडल की जितनी हाइट है उस हाइट में से हमने कोन की ऊंचाई को, कोन की हाइट को, शंकु की ऊंचाई को माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। अब आता है रेडियस निकालने का, त्रिज्या निकालने का काम। तो त्रिज्या हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायामीटर दे रखा है तो उसको हाफ कर देंगे, हिंदी में कहे तो अगर आपको व्यास दे रखा है तो उसको आधा कर देंगे। तो व्यास आपके पास 3 था, डायामीटर आपके पास 3 सेंटीमीटर था, तो हमारी जो रेडियस निकलेगी, जो त्रिज्या निकलेगी, आर की वैल्यू जो निकलेगी, उसे हम 3/2 लिख देते हैं, मतलब 3 का आधा। इसे हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, फिर उसको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसको हम एज इट इज लिख रहे। अब आपको पता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालेंगे, बेलनाकार का आयतन भी निकलेगा और शंकु का वॉल्यूम, शंकु का आयतन भी निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकलेगा। अब कोन आपको यहाँ 2 दिख रहे, तो हम इन दोनों का अलग अलग नहीं निकालते, हम एक ही फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोन हमारे पास 2 है, हम फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 कोन है। हिंदी में कहे तो हम शंकु के आयतन के सूत्र में 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 कोन है, 2 शंकु है। सो टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलनाकार का आयतन और 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 गुणित शंकु का आयतन, क्योंकि हमारे पास 2 शंकु है इसलिए 2 गुणित करना पड़ा, 2 हमारे पास कोन है इसलिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलनाकार के आयतन का सूत्र ये है, वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु के आयतन का सूत्र ये है। अब आपको पता है पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 22/7, तो हमने पुट कर दी। आर की वैल्यू हमने 3/2 निकाली थी, रेडियस त्रिज्या का मान हमने 3/2 निकाला था, वो हमने पुट कर दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया। हाइट हमने 8 सेंटीमीटर निकाली थी,
तो हमने हाइट 8 सेंटीमीटर लिख दी। कोन की बात करें, शंकु की बात करें, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे भी फिक्स है 22/7। आर स्क्वायर यहाँ पर भी है तो 3/2 दो बार आ गया। और एच वन सिर्फ शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, कोन की हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर कोन की ऊंचाई में, कोन की हाइट में शंकु की ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर लिख दिया। नाउ कैंसिलेशन कैसे परफॉर्म किया है वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इन सबको डिवाइड करके, सबको मल्टीप्लाई करके नीचे वालों से डिवाइड कर दे, या कैंसिलेशन करना है टेबल्स के हिसाब से तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 1 2, 2 11 20 कैंसिल किया, 2 1 2, 2 4 8 कैंसिल किया। यहाँ पर मैंने 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल किया, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल किया, एंड अगेन यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल किया। रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास ये बची थी, 11 × 3 × 3 × 4, जब मैंने किया तो आंसर आया 396/7 एज इट इज, 22 × 3 किया तो 66 आया अपॉन में 7 एज इट इज। और क्योंकि नीचे सिर्फ 7 दे रखा है तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 462/7, और जब आप इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे तो आप फाइनल आंसर मिलेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके इस पूरे के पूरे शेप का, इस पूरे शेप का जो आयतन निकला है, जो वॉल्यूम निकला है इस तरह के मॉडल का, वो निकला है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए फिनिश हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए होगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।